नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गणगौर का त्यौहार राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख त्यौहार माना जाता है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, शिव पार्वती के प्रेम प्रतीक रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है और कुंवारी लड़कियाँ मनपसंद वर पाने के लिए गणगौर की पूजा करती है। विवाहित स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु और अपने बढ़िया दाम्पत्य जीवन के लिए गणगौर की पूजा करती है। होलिका दहन के दूसरे दिन से 18 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है गणगौर। होली से 8 दिन बाद हम बांसुरा मनाते हैं और उसी दिन कुम्हार के घर से, कुम्हार के चाक से लड़कियां मिट्टी लाकर घर पर गणगौर बनाती है और फिर उसकी पूजा करती है। लड़कियां सुबह सुबह बाग बगीचों से हरी दूब, फूल, फोग आदि लाती है और दही छाछ के साथ गणगौर की पूजा करती है। महिलाएं गीत गाती हैं। गणगौर के त्यौहार के गीत बहुत ही बढ़िया और सरस होते हैं। हर सुख दुख, सुख समृद्धि से जुड़े हुए गीत इस त्यौहार पर हम गाते हैं और गणगौर की पूजा हम बहुत ही धूमधाम से करते हैं। और जब गणगौर की रचना हो जाती है बांसुरा के बाद, उस दिन के बाद बनोरे निकाले जाते हैं। गणगौर को घर घर बुलाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में घूघरी चढ़ाई जाती है।
और आज यहाँ पर भी गणगौर का बनोरा निकाला जा रहा है, और बनोरे में फिर लास्ट में बधावा नामक गीत गाया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि हर चीज़ में बढ़ोतरी हो, कहीं पर किसी चीज़ की कमी ना रहे, वंश वृद्धि से लेकर हर धन धान्य में वृद्धि हो। और गणगौर के 16वें 18वें दिन जगह जगह लोग मेलों का आयोजन करते हैं, कहीं पर घुड़ दौड़ का आयोजन होता है, कहीं पर ऊँट दौड़ होती है, कहीं पर अलग अलग तरह के मेले भरे जाते हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास से गणगौर का मेला भरता है। और गणगौर को 16वें दिन कुएं में डाल दिया जाता है, और फिर वापस होलिका के दूसरे दिन ही इसकी तैयारियां शुरू होती है। गणगौर का त्यौहार इस प्रकार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और गणगौर का जिस दिन हम त्यौहार होता है उस दिन ढोकलिए बनाए जाते हैं, ढोकलिए का भोग गणगौर को लगाया जाता है, और ढोकलिए भाप में बनकर तैयार होते हैं, जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो शरीर में एक बार का एक दिन उस प्रकार का भोजन भी हमें बनाकर खाना चाहिए। ढोकलिए भाप में बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।